हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से हैप्पी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ मनाया जाता है 8वां, यानी कि 7वां और 8वां, वो आप लोगों के गाँव में भी मनाया जाता होगा। सो मैं आज दिखाऊंगी कि हमारे गांव में 8वां कैसे मनाया जाता है करके, क्योंकि कल 7वां था तो कल तो मैं गई नहीं, लेकिन अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो रही है 3:30 बजे से, क्योंकि मैं दिन में सो गई थी तो मैं सोई रह गई हूँ, बाकी लोग तो सब चले गए हैं। तो मैं अभी रेडी होके जा रही हूँ, तो मैं बताऊँगी कि हमारे यहाँ 8वां कैसे मनाया जाता है। और आपको ब्लॉग को पूरा देखना है और शेयर भी करना है, तो आप चलते हैं 8वां में। और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी लगी हुई है, तो आप चलते हैं। और मैंने ऐसे नॉर्मल से कपड़े पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे, आप लोग ब्लॉग पे तो देखते ही होंगे कि मुझे ज़्यादा सजना सवरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सभी लोग जा चुके हैं, ये कि ताई लोग भी जा चुके हैं और उधर चाची लोग भी। सबसे ज़्यादा लेट हम ही होते हैं और मौसम भी बिल्कुल ख़राब होने लग गया है ऊपर से, यानी बारिश भी क्या पता आ भी सकता है। तो यहाँ के जितने भी हैं सब लोग जा चुके हैं। नीचे हवा चल रही है और आगे मेरी बहन जा रही है, देख सकते हो। सब लोग जा चुके हैं, देख सकते हो आप, बस हम ही रह गई हैं सबसे लेट। और ये हो रहा है इतनी बड़ी ककड़ी का पेड़, और ये हैं ककड़ी के फूल। अब बहुत कुछ टाइम के बाद बहुत सारे ककड़ियाँ लगने लग जाएंगी। अब हम पहुंच भी गए हैं और अभी यहाँ चाचरी हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 7वां 8वां क्यों मनाया जाता है। एक बार माँ गौरा भोलेनाथ से नाराज होकर मायके चली आई थी, तो उस दिन 7वां मनाया जाता है। फिर भोलेनाथ भी माँ गौरा को मनाने के लिए आए, और जिस दिन 8वां मनाया जाता है ना, उस दिन अपने ससुराल चली गई। 8वां और 7वां भाद्रपद के महीने में 7वीं और 8वीं गति को मनाया जाता है। तो जो आजकल की फसलें होती हैं ना, उसके माँ गौरी और भोलेनाथ को बनाया जाता है, और जो आजकल के मौसमी फल होते हैं वो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं अपने सभी इष्ट देवी देवताओं के मंदिर में। तो फिलहाल अभी माँ गौरी को उनके ससुराल पहुँचाने जा रहे हैं हम सब लोग, तो आप चलते हैं वहीं। बाकी जो भी होगा इसके बाद, जो भी होगा आपको देखने के लिए पूरे ब्लॉग को देखना है, पूरे वीडियो को देखना है एंड तक, तो आप चलते हैं मंदिर, मतलब पूरे वीडियो को देखना है। और अभी माँ गौरा अपने ससुराल जाने लग गई है, जैसे कि आप देख सकते हो जाने की तैयारी हो चुकी है। फिलहाल तो जा रहे हैं सभी लोग और हम भी चलते हैं।
नल बंद करो रे। कौन हनुआ लो ये साल कौन है।